मुबशर सिद्दीक भाई के घर में जाना जो है अब बहुत बड़ा जुर्म करार दे दिया गया है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से किसी ने भी, अगर मैं कोई मेरी सिस्टर वहां पे जाना चाहती है तो प्लीज ये देखें मेरे जुड़े हुए हाथ, तो आप वहां पे जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक्सपोज करने वाली हूँ, मैं तो बताने वाली हूँ कि मुबशर सिद्दीक लोग कितने बुरे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, एंड तक देखना है। और जो लोग मुझे इतने ज्यादा बैड कमेंट कर रहे थे उनके लिए ये स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि आप आके यहां पे कबूल करें कि मुदस्सर सिद्दीक, मुबशर सिद्दीक और जैनुल आबिदीन जैसा बुरा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो बस वही मैं यहां पे कबूल करने आई हूं और आप लोगों को बताती हूं मैं अभी के उनके गांव में जाना क्यों जुर्म करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है अगर आप वहां पे इस जुर्म में पकड़ी गई या पकड़े गए। तो प्लीज आप लोगों ने वहां पे नहीं जाना, और वहां पे जाना तो शायद इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन वहां पे चले तो गए आप, लेकिन अगर आपने आके वापस उनकी तारीफ कर दी तो इस जुर्म में आपको बहुत बड़ी सजाएं भी मिल सकती हैं। तो बस पाकिस्तान में ये कानून आ चुका है, मुझे तो इस बात का इलम नहीं था। मैं तो एक हफ्ता पहले से मैंने ये तैयारी फुल कर रखी थी कि मैंने वहां पे जाना है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम कहीं भी आ जा नहीं पा रहे थे, और ये प्लान मेरा एक साल पहले का था। मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस कदर बुरे गंदे इखलाकियात से गिरे हुए कॉमेंट अभी तक आ चुके हैं, और हर कॉमेंट में यही कहा गया है कि आप आके यहाँ पे सच बोलो। तो मैंने सोचा कि भाई चलो आज मैं जाके यहाँ पे सच बोल ही लेती हूँ। प्लीज आप लोगों ने अब यहां से हटना नहीं है, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपने जाके कमेंट करना है। अच्छा जी, तो मैं ये प्लान जो है मेरा, ये मैं काफी देर पहले से बना चुकी थी, और इसका जिक्र मैं अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी कर चुकी थी, जो मेरी गुजरांवाला में फैमिली रहती है, जो मेरी जंडियाला में फैमिली रहती है। अब मुझे क्या ख्वाब आया था कि जो ना वहां से उकाड़ा से भी एक भाई वहां पे उसी वक्त से निकल चुके हैं जब मैं यहां से निकल रही हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। तो अब थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला मेरे बच्चों को स्कूल से कॉलेज से, तो मैंने सोचा चलो ये 2-3 हमें थोड़ा रिलीफ मिला है, तो हम वहां पे अपनी अम्मी को भी मिलाएंगे और चक्कर लगाएंगे। अच्छा, ये सारी कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ सके। आप, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई स्टोरी घड़ के आप लोगों को सुना रही हूँ, जो सच है खुदा को हाजिर और नाजिर जान के 12 रबीउल अव्वल वाला दिन है आज, वही मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगी। ये आगे आपका ईमान है कि आप उस पर यकीन करते हैं कि नहीं करते। जाना मैंने कहा था, मैंने जाना था गुरुद्वारे में, पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि वीडियो तो आप लोगों ने पूरा देखना नहीं है, आप लोगों ने तो बस पॉइंट उठाने हैं जिसके लिए आपने आके वहां पे गंदी गलीज सोच को अपनी को जाहिर करना है, अपने बीमार जहन की अक्कासी करनी है, आपने बताना है कि आपका जहन जो है एक बीमार जहन है, आपके जहन में कूड़ा भरा हुआ है, आपके जहन में कचरा भरा हुआ है, आपको औरतों की इज्जत, आप गैरत का नाम लेते हो, ठीक है, आप बहुत गैरतमंद हो, बहुत गैरतमंद हो भाई, आप लोगों को मैंने मान लिया, आप बहुत गैरतमंद हो, मुझे बगैरत बोल रहे हो, बगैरत औरत बोल रहे हो, मैं बगैरत हूं ना, ठीक है, आप इतने गैरतमंद हो तो आपकी गैरत कहां चली जाती है जब आप एक चैनल पर आके एक औरत के कॉमेंट्स में उस औरत को गालियां दे रहे हो, फिर आप लोगों की गैरत कहां पे चली जाती है? क्योंकि आप लोगों की तरबियत ही है बगैरती का लफ्ज, बाजारी औरत का लफ्ज, फलाना फलाना फलाना, वो लफ्ज मैं यहां पे दोहरा नहीं सकती, इतने गंदे गलीज लफ्ज हैं, वो लफ्ज आप आके एक औरत को बोल रहे हो, फिर आप लोगों की गैरतें कहां पे चली जाती हैं? मैं औरत कार्ड खेल रही हूं तो आप लोग, सॉरी टू से, आप लोग मर्द कार्ड नहीं खेल रहे। वो मर्द ही था जो वहां पे उकाड़ा पे गया था, जिसकी बात पे आप आंखें बंद करके यकीन करके बैठे हुए हैं, और मैं भी अल्फाज के जरिए आपको स्टोरी सुना रही हूँ, वो भी अल्फाज के जरिए आपको स्टोरी सुना रहा है। क्या उसने कोई सबूत आपके सामने पेश किया है जिसके लिए आप इतना भड़क के मेरे चैनल पे आके मुझसे जवाब पूछ रहे हैं? भाई आप में इतनी गैरत है, आप इतने गैरत मानते हो तो आप मेरे पे कमेंट कर रहे हो आके, आप एक दूसरे को जानते भी हो, मुझे पता चल चुका है आप कहां से आ रहे हो, आप मुझे कहां से, ये पूरा ग्रुप बन के यहां पे हमला कर रहा है मेरे पे, मुझे कमजोर औरत समझ रहा है। तो आप लोग एक बात जान लो अच्छी तरह, मैं कमजोर औरत नहीं हूं और ना ही मैं बाजारी औरत हूं। आप लोग बाजारी औरतों से आपके होंगे ना कोई तलुकात, आपके घर में ऐसी औरतें होंगे, हाँ डेफिनेटली आपके घर में ऐसी औरतें होंगी भाई, आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को बाजारी औरत, बगैरत औरत ये कह के बुलाते होंगे, तभी आपकी जुबान आम है ना, जदे आम है आपकी जुबान पे ये लफ्ज। इसी तरह से आप आके ये गंदी जुबान मेरे कॉमेंट्स में बोल रहे हैं, जो बोलना है बोलो, जो कहना है आपने कहो। मुझे आप कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के वो छुप जाता है, चले जी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के छुप गया, आपको मैं एक ट्रिक देती हूँ, आप वहां पे चले जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप उनके खेतों में छुप जाओ, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के जरूर अपने घर से बाहर निकलेगा, और जब वो अपनी वीडियो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेगा तभी आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर हमला कर देना अपने इस गलीज ग्रुप के साथ। मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही, आटे में नमक के बराबर ये लोग हैं, बहुत से अच्छे भाई मेरे आए हैं, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, प्लीज इस बात को आप लोगों ने नेगेटिव नहीं लेना।
चंद ये मर्द हैं, क्योंकि सबने आइडिया जो बनाई हुई हैं वो मर्दों के नाम से हैं। जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो कभी भी कोई औरत इस तरह की लैंग्वेज किसी औरत के लिए यूज नहीं कर सकती। यहीं पे मैं एक और बात करती जाऊंगी कि कुछ चैनल वालियां औरतें जो हैं, चैनल वालियां हैं, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी की है, उन्होंने भी आके बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। भाई आप सच्ची हैं, उनको समझ आ जाएगी कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूं, उनको मैं अभी जवाब दे के भी आई हूं। अगर आप सच्ची हैं बहन मेरी, तो आप उसको सच साबित करो ना। मेरे चैनल पे क्या कर रही हो, जाओ ना अपने भाई उकाड़े वाले के चैनल पे, यहां पे क्या करने आई हो। मैं सिर्फ उनको जवाब दे रही हूँ जिन्होंने गंदे कमेंट किए हैं, जिन्होंने बैड कमेंट किए, जिन्होंने दुख वाले कमेंट किए, उनको मैं कोई जवाब नहीं दे रही। उनको मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुकी हूँ और वो मेरे मुझे दुआएं देते हुए वहां से गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बात की है। जिन्होंने इतने घटिया और गंदे कमेंट किए, उनको मैं जवाब देना, उनको मैं जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी कमेंट के ऊपर नहीं समझती थी, क्योंकि मैं एक एक को जाके इस तरह से जवाब नहीं दे सकती थी। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के तंग आके मैं दे रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह से मुझे कोई कितने मैसेजेस आ चुके हैं गंदा कमेंट करने के बाद, वो ये कहते हैं कि वीडियो बनाओ और उनको ना साबित करो। ठीक है, अच्छा, तो ये जो मुझे बार बार कहा जा रहा था कि आप उनकी प्रॉपर्टी में क्या करने चलेगी, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी की प्रॉपर्टी में चले जाओ। इतनी सेंस मुझे है, मेरी तरबियत ऐसी है कि मैंने किसी के घर में जाना है तो उससे इजाजत लेके जाना है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उनसे मिलके, उनसे इजाजत मांग के, वरना तो उन्होंने बोला था कि इजाजत की जरूरत नहीं है, जो चाहे। ये उनके अल्फाज थे जो मैं दोहरा रही हूँ, ठीक है। जुमे का दिन है आज, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाके वहां पे वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन हम किसी को शॉर्ट आउट नहीं देंगे, आप इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को देखें। वो लोग रोते धोते वहां से वापस क्यों आए, वो लेडी वहां से, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि वो झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही होंगी, वो भाई भी सच बोल रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे आप रीजन देखें ना कि मैं इतनी खुश क्यों हूं तो वो इतने दुखी क्यों है। क्योंकि वो उनसे शॉर्ट आउट मांग रहे थे, उनके साथ वीडियोस बनाना चाहते थे, वो उनका बहुत ज्यादा टाइम लेना चाहते थे, जो कि उन्होंने साफ अपनी वीडियो में मना कर दिया हुआ है, वो नहीं देंगे। इसके अलावा आप वहां पे वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। अगर वो मुझे मना करते कि आपने आप ही वहां पे नहीं जाना, उन्होंने मुझे आप ही कहा, मुझे इज्जत दी, उन्होंने पहले ही ये बात कर दी थी। मैंने तो उनके साथ जिक्र नहीं किया कि मेरा चैनल है, क्योंकि मैं इस लालच में बिल्कुल भी नहीं गई थी कि मैं इनसे शॉर्ट आउट लूंगी, मैं वहां पर जाकर रोन दूंगी और एक बड़ा सा शॉर्ट आउट ले लूंगी। तो मेरा इस तरह का कोई प्लान नहीं था। मैं उनको मिल ली, मैं उनकी फैमिली से मिल ली, मैं इसी चीज में बहुत ज्यादा खुश होगी, मैंने अब्बा जान को देख लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अकीदत की बात करते हैं यार, आप लोग किस तरह के आप लोग दोगले लोग हो, आप अकीदत की बात करते हो। अकीदत इस तरह की होती है कि ये अकीदत थी कि वहां पे चले गए जी, अकीदत में उनकी मोहब्बत में, और जब उन्होंने घास नहीं डाली, शॉर्ट आउट नहीं दिया, उन्होंने नहीं इनको कुछ भी किया, तो फिर उसके बाद ये जाके इनकी अकीदत कहां पे चली गई कि ये जाके वहां पे बोलना शुरू हो गए। और बात है कि मैंने जब उनसे कोई ऐसी बात नहीं की, वो समझ गए कि ये लेडी जो है इस तरह की किसी इरादे से नहीं आई, तो वो हमारे साथ फ्री हुए, तो उन्होंने हमारे साथ बातें करना स्टार्ट की। और एंड में भी उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ही आपने मेहनत करनी है, अपनी वीडियो पर तवज्जो देनी है, क्योंकि शॉर्ट आउट लेने का कोई फायदा नहीं होता। एक वीडियो में तो आपको व्यू आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका चैनल फिर वहीं का वहीं उसी तरह से होगा, जब तक कि आपकी अपनी वीडियो में इंटरेस्ट लेके आपके अपने सब्सक्राइबर आपके चैनल पे नहीं आ जाते। तो फिर मैंने जाके वहां पे वीडियो बनाई। मुझे कोई अगर वो मना करते कि आपने हमारे घर की वीडियो नहीं बनानी, आपने, मैंने उनसे स्पेशल पूछा, उन्होंने मुझे अंदर जाने का तरीका भी बताया कि आपने अंदर कैसे जाना, ठीक है। यहां तक उन्होंने मुझे बताया कि आपने अगर दरवाजा नहीं खुले तो आपने इस तरह से खोल के आपने अंदर जाना। अगर और उनके किचन का भी मैंने इसलिए बनाया कि मैंने पूरी इजाजत ली। वो बोल रहे थे कि आपको इजाजत की जरूरत नहीं, भाई आप बोलोगे तो ही मैं वहां पे वीडियो बना के अपलोड करूंगी। फिर मैंने कितनी बारी उनसे पूछा कि मैं ये वीडियो शेयर कर दूं, उन्होंने बोला ठीक है आप ये शेयर कर देना, लेकिन बाकी और कोई चीज आपने शेयर नहीं करनी। वो उनकी मेरे पास अमानत है, मेरी खुशी के लिए है, मेरे लिए है, मेरी मेमरीज के लिए है, मेरी यादों के लिए है, मेरी अच्छी यादों के लिए, वो मैं अपने पास रखूंगी। तो जब मैं भी वही चीज आपको अपने अल्फाज के जरिए सुना रही हूं ना, मैं भी तो बयान कर रही हूं ना अपनी स्टोरी, मैं भी तो बता रही हूं, मैं अपनी खुशी का इजहार कर रही हूं। यार आप लोग टीवी तो देखते हो, फिल्में तो देखते हो, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है ना, टीवी फिल्में सब कुछ देख रहे होते हैं, दुपट्टे लिए हुए हैं औरतों ने, नहीं लिए हुए, क्या कुछ आप देखते हो। एक औरत घरेलू हाउसवाइफ अपनी खुशी का इजहार कर रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कुछ बोल रहे हो। शर्म आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं। मैं किस चीज की शर्म करूं, मैं मेहनत कर रही हूं, मैं अपना काम कर रही हूं, इस चीज की मैं शर्म करूं। YouTube पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बाइज्जत लोग काम करते हैं। YouTube ही तो ऐसा शोभा आ गया है औरतों के लिए जहां पे वो काम करके अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। तो जब आप उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग मेरी बातों पे क्यों नहीं यकीन कर रहे। मैं भी तो अल्फाज के जरिए, मुझसे क्यों सबूत मांगे जा रहे हैं। मेरे पास तो सबूत है भी, लेकिन मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों दूं आप लोगों को, नहीं दूंगी मैं। तो उनसे सबूत मांगे ना, वो
व्लॉगर थे, मैं भी व्लॉगर हूँ, मुझे मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे में भी इतनी सेंस है कि कोई मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है, तो जब मैंने ठान लिया कि मैंने जाके इसके खिलाफ ये करना है और मैं घर से ही ठान के निकल आई हूँ कि अगर इसने मुझे शॉर्ट आउट नहीं दिया, इसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, तो मैं इसको आके जो है ना एक्सपोज करूंगा, मैं इसका इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, अगर घी मेरा सीधी उंगलियों से नहीं निकला तो उंगलियों को मैं टेढ़ा करूंगा। जी बिल्कुल, उंगलियों को टेढ़ा करके ये सब कुछ करते हैं। तो वो वीडियो नहीं बना सकते थे चोरी चोरी, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे मुबशर भाई की बातों की कि उन्होंने रूड बिहेव किया है, वो पूरी रात उस घर में रहे हैं, वो वहां पे दिखा सकते थे कि मुझे ऐसे यारों मददगार छोड़ा गया है, आराम से वहां पे वीडियो बना सकते थे, वहां पे मुबशर भाई नहीं थे, वो कुछ भी कर सकते थे, किसी भी मजदूर के साथ वीडियो अंदर